कैसे हैं आप सब। अन्ना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। सरसों का साग तो सर्दी में सभी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये मैं साग बना रही हूँ बहुत डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और बहुत टेस्टी लगता है, मेरा तो फेवरेट है। इसलिए चलो बनाने स्टार्ट करते हैं हम सरसों का साग। मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया है। इसमें पालक, बथुआ, मेथी, 4 चीजों का मिक्स साग है ये। मैंने काट के अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब मैं इसे, ये मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई वैसे तो मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कढ़ाई में बनाऊंगी और मैं सारा साग अपना इस कढ़ाई में डाल देती हूँ। देखिए साग मैंने बनने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, इसे मैं ढक के रखती हूँ। इसे हमें लिए ढक के रख दिया है। अब इसे हमें अच्छे से उबालना है, बिल्कुल गला देना है। देखिए हम अपने साग को चेक करते हैं। साग हमारा अच्छे से उबल चुका है। मैं गैस बंद करती हूँ। देखिए मैं साग के लिए अपने मसाला तैयार करती हूँ। ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और 10-12 मैंने लहसुन की कली ली होंगी, क्योंकि लहसुन हमेशा ज्यादा डलता है, इसलिए मैंने ज्यादा लहसुन लिया है। और हरी मिर्च लिया मैंने 10-12। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन साग हमेशा थोड़ा हरी मिर्च ज्यादा डलती है, इसलिए मैंने 10-12 हरी मिर्च लिए हैं। इन्हें मैं अच्छे से थोड़ा दरदरा करके हमें इन्हें जार में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए साग हमारा अच्छे से उबल चुका है। इसे हमें इसके मदद से अच्छे से बिल्कुल मैश करना है, जो हमारा साग अच्छे से मैश हो जाए बिल्कुल बारीक करके। देखिए हमारा साग बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छे से मैंने इसे घोट चुकी हूँ और हमारा बिल्कुल साग मिक्स हो चुका है। इसमें अब हमें जो मैंने अदरक और लहसुन और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया साग में वो डालना है। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से ऐसे हरी मिर्च वगैरह मिक्स कर दिया मैंने, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए। इसके अंदर मैंने मक्के का आटा लिया जो थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। बिल्कुल इसे हमें ऐसा करना है कि इसमें गुठलियां ना पड़े, जल्दी जल्दी हमें इसे मिक्स करना है। ऐसे ही हमें, आप देखना आटे की जितनी जरूरत हो उस हिसाब से आपको ज्यादा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें आटा इसके अंदर डालना है और अच्छे से फिर मिक्स करना है। हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी, क्योंकि गर्म पानी डालने से साग में ठंडा नहीं डालना चाहिए, हमेशा गर्म पानी ही डालना चाहिए साग में। मैंने अच्छे से इसमें गर्म पानी डाल दिया है। देखिए साग मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा गर्म पानी डालती हूँ। थोड़ा सा हमें गर्म पानी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है गर्म, और मैं इसे अच्छे से अब पकने देती हूँ। इसे हम ढक के रख देते हैं। अच्छे से पकाना है हमें साग। देखिए हम अपना साग चेक करते हैं, हमारा साग बना ही नहीं बना। अभी हमारे साग उबल चुका है, अच्छे से पक रहा है, अभी पका नहीं है अच्छे से। इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करती हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो। और नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अभी हमारा साग थोड़ा और पकेगा। देखिए अब हम अपना साग चेक करते हैं और लगभग हमारा साग बनके तैयार है। आप देख सकते हो कि हमारा साग एकदम बन चुका है। अब चलो इसमें हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। साग हमारा बन चुका है। देखिए मुझे अब साग में अपने तड़के की तैयारी करते हैं। ये अंडा साग है, मैंने कहा था ये कुछ डिफरेंट साग है और मेरा भी फेवरेट है। मैंने यहाँ पर 1 अंडा लिया है और अंडे की हमें, जैसे हम पनीर भुजिया बनाते हैं ऐसे हमें अंडे की भुजिया बनानी है। हल्का सा मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार और मैंने अपने अंडे में, हमारा फिट चुका है। और थोड़ा सा मैं ऑयल लूंगी, हमें ऑयल डालना है और मैंने आधी चम्मच से भी कम डाला है और इसे अच्छा करना है। अंडे को हम अच्छे से फैट लेंगे। अंडा हमारा फिट चुका है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अंडे की हमें भुजिया सी बना के तैयार करनी है। देखिए हमारे अंडे की भुजी बनके तैयार है। अब मैं इसे किसी कटोरी या प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं इसमें आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सा तेल डालूंगी। अच्छे से हमें इसे गर्म करना है। लेकिन मानिए ये साग बहुत टेस्टी लगता है और डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ
वो मेरा भी फेवरेट है, आप बनाइएगा जरूर। तेल हो चुका है, इसमें मैं थोड़ी सी मटर लिया मैंने, थोड़ी सी हमें मटर को इसके अंदर फ्राई करना है। देखिए हमारी मटर और जो मैंने अंडे की भुजिया बनाई थी वो मैंने दोनों के एक साथ मिक्स कर लिया है और अच्छे से हमारी दोनों भुन चुकी है। अब इसमें हम अपना साग डालते हैं। अपना मैंने इसमें साग डाल दिया है और इसे हमें 2 मिनट के लिए पकाना है। बहुत अच्छा लगता है साग मटर और अंडे के साथ। देखिए हमारा साग बनके बिल्कुल रेडी है और इसमें अब हम अपना तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करते हैं, अगर साग में देसी घी का तड़का ना हो तो साग खाने का टेस्ट नहीं आता। मैं मेल्ट करती हूँ, अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। देखिए हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, वो हमें डालनी है। थोड़ी सी मैंने लहसुन और प्याज और आधी हरी मिर्च लिया, अच्छे से हमें इन्हें भूनना है। साग खाने में बहुत टेस्ट आएगा और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अंडे इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी, आधी चम्मच से कम मैंने हींग लिया है। हींग की खुशबू साग में बहुत अच्छी लगती है। मैंने हींग डाल चुकी हूँ, हींग भी हमारा भून चुका है। और हल्की सी मैंने ये देगी मिर्च लिया। हमारा तड़का तैयार है, देखिए हमारा साग का तड़का तैयार है और जो मैंने इसमें हरी मटर और अंडे की भुजी डाली है उससे साग हमारा बहुत टेस्टी लगता है, मेरा तो फेवरेट है। और हमारा साग बिल्कुल तैयार है, देखिए हमारे सरसों का साग तैयार है, बहुत टेस्टी लगता है अंडे और मटर के साथ और मक्के की रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भी बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरा और